हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बना रहे हैं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, बच्चों के लिए स्पेशल, फेस्टिवल के लिए स्पेशल और सर्दी के लिए स्पेशल ट्रेडिशनल बाजरा मट्ठी या बाजरा टिक्की। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सर्दियों में बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम बना रहे हैं बाजरे की टिक्कियाँ या बाजरे की मट्ठी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सर्दियों के लिए स्पेशल है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिया है शक्कर, ली है मैंने ये। तो आप चाहें तो शक्कर ले लें, चाहें आप गुड़ ले सकते हैं। इस तरीके से बातें की है, बस ये है कि आपको क्रश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ये मैंने ऑलरेडी टूटी हुई, ये टूटी हुई पाउडर की फॉर्म में होती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं मीठे के लिए। तो मैंने यहाँ पे शक्कर ली है और मेजर कर लिया है, तो मैं यहाँ पे 2 कप शक्कर ले रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको गैस की फ्लेम पर रखेंगे और इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तब तक ये मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी जो सारी शक्कर है वो सारी पानी में घुल गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। हमें इसकी कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ आटा लेना है। तो ये आटा लिया मैंने बाजरे का, बाजरे का आटा ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये छोटी बाउल है तो उससे मैंने नाप के लिया है, तो ये 4 बाउल है क्वांटिटी में। तो 4 बाउल प्लस मैंने 2 बाउल शक्कर ली थी, और आप मीठा कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। तो 4 बाउल मैंने यहाँ पे बाजरे का आटा लिया है और मैंने लिया है वहाँ पर 2 कप शक्कर और 1 कप मैंने डाला है इसमें पानी। अब ऐड करते हैं हम यहाँ पे तिल। 1/2 बाउल में यहाँ पे तिल ऐड कर रही हूँ, तिल डाल चुके हैं हम। देन अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर होल बनाएंगे इस तरीके से, और जो हमारा पानी है ना चाशनी वाला उसको इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं डालते हुए। तो हम इसे स्पून से और फिर अपनी हाथों की हेल्प से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर रेडी हो गया है इस तरीके से। और आप देख रहे हैं ये जो शुगर सिरप था वो मेरा बच गया है, लगभग 1.5 बाउल मेरा शुगर सिरप डला है और 1/2 बाउल मेरा बच गया है। डोंट वरी, आप उससे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको साइड हटा दें। देन अब हम इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हाथ पे लगाएंगे ऑयल और थोड़ा थोड़ा डो ले लेंगे अपने मनपसंद साइज से और अपनी हथेलियों की हेल्प से इसको फैलाते जाएंगे इस तरीके से। ध्यान रहे आटा ज़्यादा पतला ना हो, अगर ज़्यादा पतला आटा हो जाता है हमारा तो क्या होगा कि वो ना तो फूलेंगी और दूसरा हमारा जो टिक्कियाँ हैं वो टूट जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसको फैलाते हुए, और अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। ऐसे ही हम और बना बना के डालते जाएंगे और जैसे ही फूल जाती है इसको पलट देते हैं और गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, हमारी पूरी अच्छे से फूल गई है। तो इस तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन करके सारी पूरी को या मठरी या टिक्की, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए अच्छे से फूल गई है, तो अभी हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं और जब तक हमारी दूसरी फूलती तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और ये फूलने लगी है। देखें ना, आप देखिए हल्का सा फूलने लगी है। अब हम इसको जस्ट पलट देते हैं। ऐसे ही हम सारी पूरियों को अपना या टिक्कियों को अपना सारियों को सेक लेते हैं। तो ये हमने बाजरे की टिक्कियाँ, बाजरे की मट्ठी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग मीठी बाजरे की पूरी भी कहते हैं, तो वो बनाकर तैयार की हैं। सर्दियों की बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, और ये सर्दी में खाई जाती है। ये प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर है और बच्चे तो इसको बड़े मज़े से बिस्किट की तरह कट करके खाते हैं।
तो उन्हें तो जरूर खिलाइए। और साथ में जब हम इसको बनाते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन तक ही हमारी स्टोर करके रखी जा सकती हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और आप इसको अचार से, चटनी से, कर्ड, चाय, किसी से भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे 400 ग्राम आटा लिया था बाजरे का, और मैंने इसमें लगभग 200 ग्राम शुगर ली थी, या गुड़ लिया था, गुड़ को मैंने शक्कर ले ली थी, कुछ भी ले सकते हैं, शक्कर या गुड़। लेकिन आप याद रखें कि मैंने उसमें से हाफ कप बचा भी लिया था, हाफ कप मेरा बच गया था, इट मीन्स मैंने उसमें 1.5 कप ही पानी ऐड किया है। तो 1.5 कप पानी से ही आप इसको गूथ लें, अगर नीड हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो शुगर लगभग 200 ग्राम नहीं थी मेरी, फिर जब आधा कप मेरा बच गया तो आप ये लगा लीजिए इसमें 150 से 200 ग्राम ही मेरी शक्कर गई होगी, क्योंकि आधा कप पानी हमारा बच चुका था। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो क्या होता है कि 400 ग्राम आटा प्लस 200 ग्राम शक्कर आप शुरू में देखते हैं और फिर उसी को इसी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में जब उनसे मिक्स करते हैं तो कुछ चीज़ कम या ज़्यादा भी हो जाती है कई बार, तो वो आपको कैसे रेशो पता चलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें और अपनी डिश परफेक्ट बनाएं, तो मेज़र करके आप ये बहुत ही टेस्टी टिकिया बना सकते हैं। सर्दियों की बहुत ही अच्छी डिश है ये। दूसरा, हम इसको फेस्टिवल्स पे भी बनाते हैं, मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स पे बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। तो आपको बाजरे की मीठी टिकिया या मछली या पूरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।